आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। उसमें का आज का जो टॉपिक है वो है मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या है उसका नाम? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसका और एक नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब क्या होगा ये प्रोसेस में? वॉल्यूम क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी। नाउ तो देखिए, हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ तक जाना है। तो सबसे पहले मेरा आता है यहाँ पे पीवी डायग्राम। सबसे पहले जो आएगा प्रोसेस में वो आता है पीवी डायग्राम। जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो आपको पीवी डायग्राम निकालना पड़ता है और इसी स्टेप को आप फॉलो करो। ओके, देखिए पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम आएगा आपका क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। ये पी रहेगा अलॉन्ग वाई, वी रहेगा अलॉन्ग एक्स में क्या होगा वी। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। तो ये ले रहा हूँ मैं एक्सपांशन का प्रोसेस। तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो पी वन से लेके पी टू तक ये जाएगा। तो ये होगा इसका पीवी डायग्राम। नाउ पी वी टी रिलेशन देखिए। एज वी नो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन से मुझे आया था पी वन वी वन बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। प्रोसेस क्या है मेरा, वन से टू है। तो होगा पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू। तो देखिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, वी वन बाई वी वन इज इक्वल टू क्या होगा, वी टू होगा। तो वी वन और ये कट हो जाएगा, तो ये बचेगा पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू। नाउ द वर्क ट्रांसफर क्या होगा? वर्क ट्रांसफर होगा, एज यू नो वर्क ट्रांसफर जो होता है ओपन सिस्टम के लिए, वन टू टू पी डी वी। क्या होता है? पी इंटू डी वी। ओके, ओवर द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है मेरा, वन से टू इनिशियल नीचे, ओके देन फाइनल ऊपर वी वन से वी टू तक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क ट्रांसफर जो होगा वो होगा जीरो, मतलब वर्क फ्लो जो होगा वन से टू होगा जीरो। नाउ हीट ट्रांसफर जो होता है क्यू वन टू टू होता है एम सी डेल्टा टी। क्या होता है? एम सी डी टी। तो ये होगा प्रोसेस टी वन से टी टू तक। ओके, लोअर से इनिशियल से फाइनल तक मास कांस्टेंट बाहर रहेगा, सी वी कांस्टेंट बाहर रहेगा। क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा टी टू माइनस टी वन एम सी वी। क्या आएगा ये? एम सी वी टी टू माइनस टी वन। नाउ ई है मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है ई मेरा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। एज वी नो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वन टू टू माइनस डब्ल्यू वन टू टू। सो देखिए डब्ल्यू वन टू टू कितना है? जीरो है। और जो क्यू है आपने निकाला है एम सी वी टी टू माइनस टी वन। तो ये हो गया डेल्टा यू का फॉर्मूला। नाउ चेंज इन एंथैल्पी, एज वी नो डेल्टा एच होता है एच टू माइनस एच वन। और आपको पता है एच क्या होता है? एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। तो ये होगा एच टू के लिए यू टू प्लस पी टू वी टू एक ब्रैकेट में, एच वन के लिए होगा माइनस यू वन प्लस पी वन वी वन एक ब्रैकेट के अंदर। इसको ओपन करोगे आप तो यहाँ पे देखिए पी टू, यहाँ पे देखिए क्या होगा, पी टू वी टू और पी वन यू वन को एक ब्रैकेट में किया, यू टू और यू वन को एक ब्रैकेट में किया। तो पी टू वी टू माइनस पी वन यू वन हो जाएगा एम आर टी। क्या होगा? पी वी इक्वल टू क्या होता है? पी वी इक्वल टू एज वी नो पी वी इक्वल टू होता है एम आर टी। क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू होता है एम आर टी। तो उसी तरह पी वन वी वन इक्वल टू होता है एम आर टी वन। तो उसी तरह पी वन पी टू वी टू इज इक्वल टू होगा एम आर टी टू। दोनों को एक कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा एम आर, निकाला पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, तो एम आर कॉमन हो गया, ये हो जाएगा टी वन माइनस टी टू। तो उसी तरह मेरे पास आगे क्या है, मेरा आगे पी टू वी टू है, तो ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। और ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हो जाएगा एम सी वी टी टू माइनस टी वन। सो देखिए तो क्या होगा यहाँ पे टी टू माइनस टी वन। ओके, तो देखिए अभी एम जो है यहाँ पे ये टी टू माइनस टी वन को कॉमन निकाला, यहाँ बचा एम, क्योंकि इसको कॉमन हो गया, ये टी टू माइनस टी वन कॉमन हो गया यहाँ पे। ये हो गया एम आर प्लस एम सी वी। क्या हो गया? एम आर प्लस एम सी वी हो गया। ओके, बट अगेन मैंने क्या किया, एम को भी कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया आर प्लस सी वी। क्या हो गया ये? आर प्लस सी वी एक ब्रैकेट के अंदर। एज वी नो आर प्लस सी वी होता है सी पी, एज वी नो सी पी माइनस सी वी होता है आर। ये हो गया आर प्लस सी वी होगा, तो ये हो गया सी पी, ये हो गया एम सी पी टी टू माइनस टी वन। तो इंटरनल एनर्जी जो आगे एंथैल्पी डेल्टा एच होगा एम सी पी टी टू माइनस टी वन। और आगे जितने भी प्रोसेस होंगे सबके लिए यही फॉर्मूला होगा डेल्टा एच का, एम सी पी टी टू माइनस टी वन। क्या होगा? एम सी पी टी टू माइनस टी वन। ओके, सो ये रहा ऑल अबाउट द
कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।